फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम नई और यूनिक सी रेसिपी, और वो है दाबेली कचौड़ी। और देखिए, बहुत ही गजब की स्टफिंग वाली हमारी दाबेली कचौड़ियाँ हैं। दाबेली आपने बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन इस तरीके से दाबेली कचौड़ी की रेसिपी आपने अब से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। दाबेली के नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी जो स्टफिंग होने वाली है वो एकदम मस्त होने वाली है। बहुत अतरंगी सी स्टफिंग होती है। बनाना काफ़ी आसान होता है और घर में जो कुछ सामान होते हैं उससे इजीली आप इसे बना सकते हैं। खस्ता करारी तो इतनी होती है कि आप इसे कई दिन के लिए स्टोर करके रखिए, ख़राब भी नहीं होती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। तो चलिए झटपट से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी मैदा की। मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून जितना देसी घी। आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल से बना सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ ही प्रॉपर टेस्ट आता है। ये डाला टेस्ट के हिसाब से नमक, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। और हमें बेकिंग पाउडर ही डालना है, खाने वाला सोडा नहीं डालना है। और ये लिया है 2 से 3 टेबल स्पून जितना दही। नॉर्मल दही है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो लगाएंगे। अगर आप ये कचौड़ी सर्दियों में ट्राई कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप गुनगुना पानी लें। इसमें ये खासियत होती है कि जितना अच्छा आपका डो लग जाएगा, आपकी जो दावेली कचौड़ी बनेगी वो उतनी ही टेस्टी बनेगी। काफ़ी लचीला सा इसका डो होता है। और लीजिए, डो लगकर तैयार है। 10 मिनट के लिए रख दिया। और इतने ही हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। उसके लिए 3 आलू ले लिए, जिसे रफली सा तोड़ लिया है। और ये लिए हैं मैंने कुछ मूंगफली के दाने, और कुछ लिए हैं काजू और कुछ किशमिश। इसमें इसे मैं ऑप्शनल नहीं कह सकती, कंपलसरी है, आपको डालने ही होंगे, तभी आपको प्रॉपर टेस्ट आएगा। और इन्हें हल्का सा दरदरा सा कर लेंगे। और ये लीजिए, ये हल्के दरदरे हो चुके हैं। और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। इसकी स्टफिंग बनाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। हमने ये डाल दिया गरम पैन में 1 टेबल स्पून बटर। आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं, जिससे अच्छा टेस्ट आएगा, पर नॉर्मल कुकिंग ऑयल ना डालें। और बस उसमें 1 मीडियम साइज का प्याज डाला, और प्याज को हमें सिर्फ गरम करना है, अच्छा सा भूनना नहीं है। और गरम करे हुए प्याज में ये डाल दिए आलू। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ये डालें 2 हरी मिर्चें। दावेली जो होती है काफ़ी चटपटी सी होती है। और ये टेस्ट के हिसाब से नमक। और उसके बाद मैंने लिया है ये 1 टेबल स्पून भरकर दावेली मसाला। और इस मसाले में सारे वो टेस्ट हैं जो हमारी कचौड़ी को एकदम परफेक्ट टेस्ट देंगे। इसके बाद हमें इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये परफेक्ट मसाला है। और साथ ही अब ये डाल दिया जिसको हमने ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा दरदरा करके रखा था। इससे इसका टेस्ट इतना अमेजिंग हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना बढ़िया टेस्ट करती है। और लीजिए, सब कुछ अच्छा सा भुना। और ये मैंने डाल दी कसूरी मेथी। इसकी स्टफिंग को मैंने करीब 3 से 4 मिनट तक भुना है, तभी ये बढ़िया टेस्ट करेगी। और ये डाल दिया नींबू का रस, थोड़ा सा हरा धनिया। और ये लीजिए, स्टफिंग तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे बिल्कुल अच्छा सा कूल डाउन कर लेते हैं। और जैसे ही स्टफिंग कूल डाउन हुई, उसके अंदर हम डाल देंगे कुछ अनार के दाने, क्योंकि दावेली बिना अनार और बिना मूंगफली के बिल्कुल अधूरी है। काजू और किशमिश को आप एक बार को स्किप कर भी सकते हैं। और इधर 10 मिनट हो चुके हैं, और ये जो हमने मैदा रखी थी ये बिल्कुल अच्छे से रेस्ट कर चुकी है। और आप देखिए, इसका डो काफ़ी लचीला सा होता है। हो सकता है आपको डो देखने में थोड़ा सा पतला लग रहा हो, लेकिन पतला नहीं है, एकदम परफेक्ट इसका डो है। और इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए इसे हम करीब 1 मिनट तक बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ कर लेंगे। और ये देखिए, डो बहुत ही अच्छा स्मूथ हो चुका है। और अब बारी है इसमें से पेड़े तोड़ने की। बस तो चलिए छोटे छोटे से बॉल्स तोड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज के हमें इन्हें नहीं तोड़ना है, एकदम नॉर्मल, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं या आप समझ सकते हैं, एक नींबू के साइज के हम इसमें से ये पेड़े तोड़ लेंगे। और बस ये देखिए, डो बहुत ही बढ़िया लगा है। और अब जितना बड़ा हमने पेड़ा बनाया है, उतने ही बड़े बड़े हम स्टफिंग के भी इसी तरीके से बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे टेस्ट में तो फर्क नहीं आएगा, पर स्टफ करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और तो चलिए, सारे बॉल इसी तरीके से बनाकर रख लेंगे। और इधर हमारे बॉल बने, तो चलिए स्टफ भी कर लेते हैं। बस इस तरीके से हल्का हल्का सा हम इसे फैलाएंगे। बीच वाला जो पोर्शन है वो हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, और साइडों को हम पतला रखेंगे। उसका रीज़न है कि हम उसे इस तरीके से उठाते हुए अच्छे से जब हम बंद करते हैं, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है
रहेगी और नीचे की मैदा अगर हम कम छोड़ेंगे तो इसे फटने का डर रहेगा। वैसे नॉर्मली दालिनी फटती नहीं है, एकदम अच्छे से बन जाती है, पर फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे। और ये लीजिए, एक तो पेड़ी बनकर तैयार हो गई है, इसी तरीके से एक और बना लेते हैं। ये एक और बन गई और इसे हाथ में भर के दिखा देती हूँ। हल्का सा प्रेस किया और साइडे उठाते हुए बस इसे भी बंद कर लिया और अच्छे से प्रेस कर लिया। इसी तरीके से कुछ और बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, कुछ बनकर तैयार हो चुके हैं। हमें इसे कचौड़ी की तरह बेलना नहीं है, सिर्फ हथेली से हल्का सा दबाया, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हम खस्ता बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हमें इसे बनाना है। और चलिए, एक एक करके हमने ये दावेली इसमें डाल दी है। इसके सेकते हुए आपको जरूर ध्यान रखना है कि फ्लेम को मीडियम रखना है। इन दावेली कचौड़ियों को सीखने के लिए आप करीबन 6 से 7 मिनट का समय जरूर दें, तभी दावेली बहुत बढ़िया सीख पाएगी। काफी खस्ता करारी सी हो जाएगी, वरना ऐसा रहेगा कि बाहर से तो सीख जाएगी, अंदर से कच्ची सी रह जाएगी। और ये लीजिए, 6 से 7 मिनट हुए और हमारी जो दावेली कचौड़ी थी एकदम बढ़िया सीख चुकी है, काफी अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, डिश आउट कर ली। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से बढ़िया सीख चुकी है, बहुत ही बढ़िया इन पे कलर आया है, काफी खस्ता करारी सी है। आप सर्व करने के लिए ले सकते हैं हरे धनिये की चटनी और लहसुन की तीखी चटनी, और इन्हें और ये सर्व करने का एक और तरीका है, उसके लिए आप एक कचौड़ी लीजिए, बीच में इस तरीके से क्रॉस का निशान लगाइए, जिससे ऊपर की लेयर थोड़ी सी खुल जाएगी और स्टफिंग जो हम इसके ऊपर रखेंगे अंदर अच्छे से चली जाएगी। ये देखिए, हरे धनिये की चटनी, लहसुन की तीखी चटनी, प्याज, अनार, थोड़े से सिंगदाना यानी मूंगफली और थोड़ी सी डाल दी भुजिया। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया हमारी एक और तरह से कचौड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है दोनों ही तरीके आप लोगों को पसंद आए होंगे, हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट